दोस्तों, ये बांस का बनाया हुआ है मैंने, उसकी लकड़ी से। यहाँ पर जो है कटर और ड्रिलिंग की मदद से ये स्पेस बनाया है, और उसके बाद छोटा सा यहाँ पर इसको जो होल्डर है मैं एडजस्टमेंट के लिए बनाया है। इसको हम एक टॉर्च के रूप में यहाँ पर बल्ब को इस तरीके से फिट करेंगे, और कभी ज़रूरत पड़े लाइट जाने पर तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे देखो ना, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। आ रहा है खाती बार नहीं खोलनी, खाती बार तो बिल्कुल नहीं बेटा। एक भी छीटा पड़ गया तो खा रही, फिर कॉफी उठने ही खाली। दोस्तों, ये बांस का छोटा सा टुकड़ा, और इसमें एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर होल्डर लगा दिया है, और 10 रुपए का स्विच इसमें, और ये चार्जेबल बल्ब है, एमरजेंसी बल्ब, जो 9 वाट का है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो जब कहीं टॉर्च के रूप में इसको इस्तेमाल करना हो तो ये चार्जेबल होगा, तो हम कभी भी इसको खोल सकते हैं। ये इस समय बंद है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये जल जाता है। सिर्फ कनेक्शन ही दिया है मैंने। जो बल्ब है ये 380 रुपये का पड़ा हुआ है, सिस्का का है, और इसमें थोड़ी सी जुगाड़ किया हुआ है। दोस्तों, ये जो जुगाड़ है तकरीबन 390 रुपये का बना है, 380 रुपये का चार्जेबल बल्ब है, 9 वाट सिस्का का, और 10 रुपये का इसमें जो है जो स्विच है वो लगा है। बाकी जो बांस का है वो अपने गाय की खेती है, और ये टॉर्च बनकर तैयार है। इसको हम इमरजेंसी रूप में कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। जुगाड़ है ये, आप किसी और चीज़ से भी बना सकते हैं, बिल्कुल सस्ता है और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास भी कोई और चीज़ें होंगी जिससे आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं बांस का हो। आपके पास जो सख्त गत्ता होता है वो है, या फिर कोई और गोल चीज़ है जिसमें जो ये मैंने होल्डर फिट किया है, या किसी और माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा गहराई में जाकर। तो आप भी करिए।